पूर्वक करेगा उसके समस्त दुख दूर होंगे, भय वाला व्यक्ति भय से मुक्त होगा, निर्भय होगा, बंधन में पड़ा हुआ जीव बंधन से मुक्त होगा, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी। और हमने कल आपको प्रति उत्तर में बताया सत्यनारायण का सीधा अर्थ है संत धर्म का पालन करना, और कोई नहीं, कोई कथा नहीं है, सिर्फ सत्य बोलना ही इनका उद्देश्य है। वैष्णव बनाना सत्यनारायण का प्रयोजन है, आप वैष्णव बन जाए, परम भक्त वैष्णव बन जाए, यही सत्यनारायण कथा का प्रयोजन है और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं। वैष्णव के लक्षण क्या है? वैष्णव के लक्षण है प्रतिदिन मस्तक पर तिलक लगाना, गले में माला पहनना, गले में तुलसी जी की माला पहनना, शिखाबंधन करना और मुख से हमेशा प्रभु नाम और सत्य की चर्चा करना, सत्य बोलना, ही वैष्णव के परम लक्षण है। और यही आदमी भूल गया, इसी में आदमी हैरान है। कल मधुपाले महाराज जी बता रहे थे आज आदमी इतना परेशान क्यों है, कहूँ कोरोना है, आदमी को लोगो हैरान कर रहा हूँ, कहूँ घर भाई हैरान कर रहे, कहूँ पैसा परिवार परिवार परेशान, कहूँ गाँव का पति परेशान कर रहा हूँ। इसका मूल कारण है वो अपनी मूलभूत व्यवस्थाओं को भूल गया, सत्यता को भूल गया, संस्कार को भूल गया, पद्धति को भूल गया। उसका दुष्परिणाम ये पूरा विश्व पूरा देश भोग रहे हैं। राम के दास जो राम जी के दास है वो कभी दुखी नहीं रहते, इसलिए वैष्णव बनाना ही कथा सत्यनारायण का परम धर्म। तो दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में उन्होंने उपाय बताया भगवान श्री हरि ने, अब दूसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को नारद जी से जो प्रतिसाल विधि महत्व बताया था उसके आगे के बारे में कहते हैं। अब सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में सुनिए। कश्चित् काशीपुरी रम्ये रम्ये, श्री सूत जी कहते हैं इस कथा को सुनकर के व्रत का पालन करके, सत्य का व्रत पालन करके एक ब्राह्मण भय दूसरे अध्याय में जिनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। कथा में बताते हैं एक काशीपुरी नगरी थी, काशीपुरी नगरी में एक बड़े गरीब निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे, उनका नाम था सतानंद। सतानंद नाम के ब्राह्मण थे यहाँ, नहीं।